ना मुकदमा ना अदालत ना समाद, पुलिस ने पत्थरबाजी का इल्ज़ाम लगाया और करोड़ों रुपयों की इमारत जमीन बोझ कर दी, क्योंकि ये इमारत हाजी शहजाद अली की थी। अब इंसाफ का दूसरा नाम बुलडोजर है और मुलजिम का नाम मुसलमान होना ही काफी है। इल्ज़ाम है कि एक एहतजाज के दौरान पुलिस थाने के घेराव और पथराव में शहजाद अली भी शामिल थे। यह एहतजाज एक गुस्ताख रसूल के खिलाफ मध्य प्रदेश के चित्रपुर में हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि इनकी अर्जियात नहीं सुनी गई, जिसके बाद मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए और हालात बिगड़ गए। गुस्ताख रसूल के खिलाफ तो क्या कार्रवाई होती, दर्जनों मुजाहिरीन पर मुकदमा करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कांग्रेसी लीडर शहजाद अली का बंगला नुमा घर मिसमार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अदालत क्या करेगी। जाएगा जिससे आरोपियों के अंदर एक डर एक खौफ पैदा होगा पुलिस का। यही कारण है कि भारी पुलिस बल और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है चिराग। और जो स्थानीय विधायक हैं या फिर सीएम मोहन यादव हैं, उनका खुद इस पूरी घटना पर निगाह बनी हुई है। वो पूरे घटना की पूरी कार्रवाई की खुद रिपोर्ट ले रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे आपने बताया कि चार गाड़ियां आरोपियों के घर से बाहर निकाली गई हैं। सुबह पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की थी उसके आधे घंटे पहले पुलिस ने बाकायदा इसका ऐलान किया था कि जो भी सामान आपको बाहर निकालना है निकाल लीजिए, जो भी लोग अंदर हैं वो बाहर आ जाएं। बावजूद इसके लोग ना तो बाहर आए ना ही लोगों ने अपना सामान बाहर निकाला। और इसके बाद पुलिस ने करीब आधे घंटे बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी चिराग।